हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आपने टेंस पढ़े होंगे, लेकिन टेंस जो हम बेसिक टेंस पढ़ते हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उनमें क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से। अब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का क्या मतलब है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब है दो टेंस का कॉम्बिनेशन, कि कौन सी दो बातें हैं जो दो अलग अलग टेंस में बताई जाती हैं। तो कौन से दो टेंस का कॉम्बिनेशन बैठता है, वो आते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। वीडियो अच्छे से देखने के बाद आपको करना क्या है, टेंस की कोई भी एक्सरसाइज ले लेनी है और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। अब कोई भी दो जो अलग अलग टेंस होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते किसे हैं? दो टेंस का कॉम्बिनेशन ही सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है। तो दोनों टेंस को कौन से टेंस में कौन सी बात बतानी है, वो हमें बताना होता है। एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। टेंस के जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में से ही उठते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो सबको होता है। बेसिक नॉलेज क्योंकि टेंस तो हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें बेसिक नॉलेज तो है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एडवांस नॉलेज लेना है, और एडवांस जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैं वो एडवांस नॉलेज में ही आते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अपना सिंस से। देखिए, सेंटेंस में जहां सिंस है और सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है, ध्यान से सुनिए, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ओके, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर। सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। किसमें है? सिंपल पास्ट में। तो सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस है वो किसमें आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। जब से उसने जयपुर छोड़ा था तब से मैंने उसे नहीं देखा है। जब से उसने जयपुर छोड़ा था तब से मैंने उसे नहीं देखा है। अब ये जो सेंटेंस है वो अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है और ये वहां जा सकता है। अगर इन्होंने इनकी जगह परिवर्तित हो गई तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब नेक्स्ट, मैंने यहां पर ये जो सेकेंड नंबर का जो लिया है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से लिया है। कंडीशनल सेंटेंसेस हम अलग से टॉपिक कवर करेंगे, उसमें हम प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस भी देखेंगे, पास्ट कंडीशनल भी देखेंगे और फ्यूचर कंडीशनल भी देखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने लिया है कंडीशनल सेंटेंस से। तो देखिए, वेन, इफ, एज इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल और अनलिस, ये अगर वर्ड्स आ गए तो इनके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा सिंपल प्रेजेंट में, और जो प्रिंसिपल क्लोज होगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। ध्यान से समझें, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कंडीशन बताते हैं, इसीलिए तो इनको कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं, ये कंडीशन बताते हैं। तो इनके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो उसके बाद सेंटेंस आएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। एग्जांपल देख लेते हैं। अनलिस, देखिए, अनलिस और अनटिल क्लियर कर देती हूँ। अनलिस और अनटिल सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। जहां पे अनलिस और अनटिल का यूज हो वहां पे हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अनलिस ही कम्स हियर, जब तक वह यहां नहीं आएगा, I shall wait for him, मैं उसका इंतजार करूंगा या करूंगी। तो unless he does not अगर मैं कर दूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि unless में तो ऑलरेडी not include है। unless और until में not include रहता है, तो सेंटेंस में जहां unless और until का यूज करेंगे वहां पे not का यूज नहीं होगा।
तो देखिए ये जो क्लॉज हो गया वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस प्रेजेंट में है लेकिन सेंस आ रहा है फ्यूचर का, जब तक वह यहां नहीं आएगा मैं उसका इंतजार करूंगा। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लोगे, तुम एग्जाम को पास कर लोगे। तो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस का अलग से टॉपिक लेंगे लेकिन अभी सर सिर्फ हमें ये समझना है कि सेंटेंस में जहां पे ये वर्ड्स आ गए तो उनके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा कोमा लगकर वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन उठता है यहां से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट में कोई काम अगर कंटिन्यू हो रहा है, समझना, पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है और उस कंटिन्यूटी में अगर कोई एक काम होता है तो जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसको हम बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस से और जो उसके बीच में एक काम हुआ है उसको हम बताएंगे सिंपल पास्ट से। ओके एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा या जब मैं वहां पहुंची, शी वॉज क्राइंग लाउडली, वह जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो ये जो काम है ये कंटिन्यू, ये पहले भी चिल्ला रही थी, जब ये वहां पहुंचा तब भी चिल्ला रही थी और पहुंचने के बाद भी चिल्ला रही थी। तो ये काम तो कंटिन्यू था और इसकी कंटिन्यूटी में ये एक काम हुआ। तो जब कोई पास्ट में कोई काम कंटिन्यू होता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस से बताएंगे और उसकी कंटिन्यूटी के बीच में अगर कोई एक काम होता है तो उसको हम बताएंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में अगर दो काम कोई कंटिन्यू हो रहे हैं, प्रेजेंट में दो कोई काम कंटिन्यू हो रहे हैं उनको हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। पास्ट में अगर कोई दो काम कंटिन्यू होंगे उनको हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, एंड माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी सिस्टर नाच रही है। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं। तो आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रही थी, एंड माई सिस्टर वॉज डांसिंग, मेरी सिस्टर नाच रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप जाकर चेक कर लेना कौन सी वीडियो में मैंने बताया है। कीवर्ड्स ऑफ टेंसेज वाली में मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया है और मैंने आपको ये बताया है कि जब पास्ट में कोई दो काम हुए हों, जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट से बताएंगे, जो काम बाद में हुआ है उसको हम बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस से। ओके तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। पेशेंट का मरना पहला काम था और डॉक्टर का आना दूसरा काम था। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, यहां से भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो इनके बाद इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो सेकेंड फॉर्म में होगी। ध्यान से सुनिए, इनके बाद अगर सब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर इनके बाद में टू का यूज हो रहा है तो वर्ब फर्स्ट आएगी। इट्स टाइम, अब ये सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट आ गया इट मींस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इट्स टाइम वी स्टार्टेड, इट्स हाई टाइम यू, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्कड हार्ड। तो इनके बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। इट्स टाइम टू गो, घर जाने का समय हो गया है। तो इनके बाद अगर टू आ रहा है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट्स हाई टाइम टू वर्क हार्ड, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगी और वो है, आपने पढ़ा होगा कि डू डज डिड का यूज निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन डू डज और डिड का यूज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है
तो वो सेंटेंस को क्या बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस को मोर पावरफुल या इफेक्टिव बनाना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू, डज और डिड का यूज किया जाता है। इस तरह आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ा। वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत काम की बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं और समझाई हैं। आपको अब क्या करना है, टेंसेस की एक्सरसाइज लेनी है और उनको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।